ब्यावरा से उड़पुर जहांगीर में संगीत में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुरु महाराज श्याम जी के मुखारविंद से संगीत में श्री राम कथा प्रांगण हनुमान मंदिर में मालपा तेरस के उपलक्ष्य में 9 दिवस आयोजित किया जा रहा है। आज शिव विवाह की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। तो वही तेरस के दिन समस्त ग्रामवासी उपवास करते हैं व श्री बालाजी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। मालपुए का भोग लगाकर उपवास को खोलते हैं। झंडा निकालकर ढोल बजाकर भजन कीर्तन करते हुए रामचरितमानस को सिर पर रखकर भव्य जुलूस गांव के आसपास निकाला गया। साथ ही मान सिंह जी नागर, प्रताप सिंह जी परमार, दिलीप सिंह जी परमार, राजेंद्र सिंह जी परमार, रूप सिंह जी परमार, महेंद्र सिंह जी परमार, मांगीलाल जी यादव, भागीरथ जी भारती, घनश्याम यादव, भवरलाल जी नागर, देव सिंह जी परमार, गिरिराज यादव, ललिता बाई, चंद्रकला बाई व समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। ब्यावरा से संवाददाता रघुवीर सिंह बना की खास रिपोर्ट। समाचार के साथ में आप जुड़े रहिए। यहाँ ग्राम ओड़पुर में रामचरितमानस का आयोजन रखा गया, जो 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का आयोजन रखा गया है, जिसमें रामचरितमानस संगीत में श्याम जी गुरु जी करणवास वाले के मुखारविंद से आयोजित किया जा रहा है, और जिसमें समस्त ग्रामवासियों का सहयोग है और सभी भी भरपूर आनंद उठा रहे हैं। और कथा मालपा तेरस के उपलक्ष्य में रखी गई है, हनुमान मंदिर में रखी गई है, और समस्त ग्रामवासी आके यहाँ डेली 12 से 3 कथा तक सुनने के लिए जनसंख्या आती है और सभी कथा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार, राजधानी समाचार के साथ में आप नई खबरों से अवगत हम हर बार आप लोगों को कराते रहेंगे। इसी उपलक्ष्य में हमारे भागीरथ जी भारती जी जो खड़े हैं यहाँ कथा का पूरा संचालन कर रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो कितने साल से यहाँ ऐसे धार्मिक कार्य करवाते आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे 35 साल से हम अगन के महीने में हनुमान जी का व्रत आता है तेरस का, वो पूरे गांव के एकजुट होकर के व्रत रहते हैं, वो व्रत का पूजन करते हैं और सभी कथा आनंद भजन कीर्तन सभी का आनंद लेते हैं। गुरु जी का कहना है कि यहाँ बहुत साल से हम अच्छे धार्मिक कार्य चलाते हैं। पहले यहाँ रामचरितमानस भी अखंड चलती थी और जोत भी जलती थी और अब भी यहाँ चल रही है। तो ऐसा सा आगे भी धार्मिक कार्य चलता रहे। हम ऐसे ग्रामवासियों से आशा और मनसा और विश्वास के साथ में और आस्था के साथ में ऐसे कार्यक्रम चलते रहें, और लास्ट के दिन यहाँ पूर्ण आहुति और भंडारा का आयोजन रखा जाएगा, जिसमें मैं समस्त ग्रामवासी यहाँ मंदिर में आके पूजा करेंगे तेरस की, और मालपा का भोग भगवान भगवान की है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.